आईपीएल में इस वक्त फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। ये फाइनल मुकाबला गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच हो रहा है। आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर की समाप्ति के बाद 9 विकेट गंवाकर 130 रन लगाए हैं। बता दें कि आईपीएल में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया आईपीएल फाइनल में ये सेकेंड लोएस्ट टोटल है। बता दें कि आज आईपीएल फाइनल में राजस्थान का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। इस मैच में राजस्थान के लिए सर्वाधिक रन स्कोरर जॉस बटलर रहे, जिन्होंने 39 रनों की पारी खेली। इस मैच में गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों का जलवा दिखाई दिया, जहां पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी की और एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। लेकिन अब मोहम्मद शमी, जो कि इस बॉलिंग लाइनअप के सबसे सीनियर गेंदबाज हैं, उनके नाम भी एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी ने आज पहली पारी की आखिरी गेंद पर रियान परा को बोल्ड किया और पारी का अंत किया। लेकिन मोहम्मद शमी ने इसी के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। मोहम्मद शमी ने इस सीजन पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला था। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलते हुए मोहम्मद शमी ने अपने इस सीजन की पहली ही गेंद पर केएल राहुल का विकेट निकाला था और अब मोहम्मद शमी ने इस सीजन की आखिरी गेंद पर रियान पराग को बोल्ड किया है। इसी के साथ मोहम्मद शमी आईपीएल के ऐसे पहले गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने सीजन की पहली और आखिरी गेंद पर बल्लेबाज को आउट किया है। इससे पहले यह कारनामा आईपीएल में कोई अन्य गेंदबाज नहीं कर पाया है। राजस्थान ने भले ही यह टोटल छोटा लगाया हो, लेकिन इससे पहले छोटे टोटल आईपीएल फाइनल में डिफेंड हुए हैं। देखना होगा कि आज ये मुकाबला यानी कि ट्रॉफी किसके हाथों में जाती है। दिलचस्प रहेगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।